मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के ध्रुव लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साई ने अभी भी भाजपा की जीत की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि ये शुरुआती रुझान है, अभी तो वोटों की गिनती भी जारी है, नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे। उन्होंने मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस पर सत्ता का दुरुपयोग किए जाने का गंभीर आरोप लगाया और ये भी कहा है कि जिला प्रशासन ने कांग्रेस एजेंट के रूप में काम किया है, पैसे लेकर साड़ी कंबल शराब सब कुछ बांटा गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की है संवाददाता आशीष तिवारी ने। मरवाही चुनाव को लेकर चल रही गिनती के रुझान आने शुरू हो गए हैं और ताजा रुझान ये कहते हैं कि कांग्रेस को लीड मिल रही है, हालांकि गिनती बाकी है और आने वाले कुछ घंटों के भीतर तस्वीर क्या होगी ये देखना दिलचस्प होगा। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं। देखिए अभी तो प्रारंभिक रुझान है, मेरी जानकारी के अनुसार दो ही राउंड का हुआ है और ये जहाँ का ईवीएम खोला है ये कांग्रेसी प्रभाव वाला क्षेत्र है और जिस तरह से मरवाही में हमारे नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है और वहाँ प्रदेश शासन के खिलाफ में जनता का आक्रोश भी था और हमारे अच्छे कामों का भी लोगों में अच्छा रुझान था, ये सबको देखते हुए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मतलब अंत तक भारतीय जनता पार्टी ही मरवाही में जीतेगी। अभी ताजा रुझान में अपडेट कर देता हूँ कि चार राउंड की गिनती हो चुकी है और तकरीबन 8,000 वोट जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट के ध्रुव को मिला है और 4,000 के आसपास के वोट डॉक्टर गंभीर सिंह को मिले हैं, तो एक बड़ा अंतर अब बनता नजर आता है। लगता है कि आने वाले जो राउंड्स बाकी हैं उसमें बीजेपी मेकअप कर पाएगी? बिल्कुल करेगी, अभी तो इंतजार करना पड़ेगा। अभी आप टीवी में देख ही रहे थे कि बिहार का रिजल्ट आ रहा था तो प्रारंभिक दौर में आरजेडी वहां काफी आगे था लेकिन अभी एनडीए वहां पर काफी आगे निकल गया है। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और उम्मीद बाकी है बीजेपी में, हालांकि चार राउंड की जो गणना हो चुकी है, इस गणना में कांग्रेस को लीड दिखाया जा रहा है, रुझान कांग्रेस के पक्ष में जाते दिखते हैं लेकिन एक बड़ी गिनती अभी बाकी है, तो देखना होगा कि तस्वीरें सूरज के परवान चढ़ने के साथ किस तरीके से बदलती हैं और नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। कैमरामैन घनश्याम के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।